हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं वासिर जाकिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सब नए आने वालों को मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। और आज मैं आया था एक यहाँ पर हमारा छोटा सा डैम बना हुआ है जिसमें फिशिंग होती है, और कुछ रोटी वगैरह भी थी हमारे पास जो वेस्टेज में जाती, लेकिन हम उसको यहाँ पर लेकर आ गए हैं और गीला करके हमने इन परिंदों को खिलाना है अभी और हमने डालना है। तो मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स भी आए थे, ताज भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। ताज भाई कैसे हैं? ठीक है। आज फिर एंजॉय करने वाले हैं हम, परिंदों को डालेंगे, कितना सुकून मिलेगा। परिंदे यहाँ पर बड़े शौक से खाते हैं वैसे, कोई भी चीज़। हाँ, ब्रेड हो, मतलब कम से कम जाया नहीं होता ये है। इनका बूफे लगेगा आज हमारी तरफ से। दो पंजाबी मुंडे वहाँ पर बैठे हुए चुपके से, ये देखें तायर भाई और असद भाई, वो बैठे हुए। हेलो तायर भाई, असद भाई कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तबीयत ठीक है, कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा माहौल, कबूतरों का दाना डालना। हाँ 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 हाँ, मजा ही कुछ और है उसका है। नजारे, फुल नजारे। एक दिन आएंगे आप, एक दिन फिशिंग करने भी आएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह, देखेंगे यहाँ पर कौन सी फिशें आती है। और हमारे साथ दो छोटे बच्चे भी आए, ये देखें, ये अक्सर वीडियो में नजर आते होंगे। ये बैठे हैं हमारे अमार साहब, जिनको हमने बहुत ट्रेनिंग पे रखा हुआ है और ये बहुत माशाल्लाह ट्रेनिंग करते हैं और दुबले होते जा रहे हैं, और खाने पे डाइट कंट्रोल भी इन्होंने रखी हुई है। और जल्द इंशाल्लाह ताला आपको ये फिट मिलेंगे और फिर क्रिकेट में बहुत आगे जाएंगे। पीछे इनके भाई बैठे हैं बड़े, मुनीत, हाउ आर यू? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या देख रहे हो, क्या एंजॉय कर रहे हो? बस ये कबूतरों को देख रहे हैं। कबूतरों को फिर अभी दाना डालना है, डालोगे ना अभी इनकी रोटियाँ? हाँ जी। हैं? रेडियो वो रोटी निकाल के ले आओ, फिर इनको डालते हैं, फिर एंजॉय करते हैं डाल के, ताकि ये भी खाएं फिर खुश हों, दुआएं दें। हैं? चलें जी, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हम इनको दाना डालते हैं और थोड़ी सी यहाँ का विजिट भी कराऊंगा, दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये किस तरह का डैम है और किस तरह यहाँ पर लोग फिशिंग करते हैं। और चलें यहाँ से भाई डालें जी। हाँ जी, अच्छा, हर डिजाइन का सेपरेट सेपरेट बैठा हुआ है ना? आगे ना इधर ही। अच्छा अच्छा, इधर ही आगे बैठ जाओ, पास चले जाओ, कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, फराग पे लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। कौन से वो वाले? ये कौन सा परिंदा है? कौन सा? ये सीगल है मेरे ख्याल से। दूसरे कलर, ये अभी अभी आया है कोई। ये कलर है, कितना खूबसूरत दिखता है ना। अभी देखा मैंने, बड़ी बड़ी आ गई ना, कबूतर नहीं आ पा रहे हैं। बस खत्म भाई, ये तो कम पड़ गई। लो जी, बस खत्म हो गए। हाँ, खत्म हो गई, डाल दिए इनको खूबसूरत परिंदे। चलो जी, ये वाले देखें, ये कितने खूबसूरत परिंदे हैं। ये बैठे हुए खा रहे हैं, जंगली कबूतर जो हमारे पाकिस्तान में होते हैं, ये बता के देखें। ये वाह, कितनी दुआएं देंगे खा के ये। ये एक फिशिंग पॉइंट है यहाँ पर, मैं आऊंगा इंशाल्लाह जल्दी फिशिंग करने। और आज मैं ऐसे विजिट के लिए आया था यहाँ पर, देखने के लिए कि कैसा है यहाँ पर फिशिंग करते हैं लोग। और वो देखें आप, एक बंदा फिशिंग कर रहा है यहाँ पर। मेनली होती है फिशिंग थर्सडे को,
थर्सडे को फिशिंग करते हैं लोग यहाँ पर और मंडे भी करते हैं। तो मैंने कहा चलो विजिट भी कर लेंगे थोड़ा सा, परिंदों को हल्का फुल्का कुछ खिला देंगे। रोटी भी हमारे पास छोटी छोटी करके लाए थे, गीली करके। ये देखें कितने खुश हो रहे हैं और ये खा रहे हैं। दुआएं देंगे, दुआएं चाहिए बस जिंदगी में, और क्या चाहिए।